द मॉर्निंग गुड इज टू अर्ली इट इज सेट अप ये सेट अप नहीं है ये गेट अप है इट इज गुड ये अच्छा है इट इज गुड ये अच्छा है टू गेट अप उठना टू गेट अप उठना ये गेट है जी ई टी टू गेट अप उठना अर्ली इन द मॉर्निंग इट इज गुड यह अच्छा है टू गेट अप उठना अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह को जल्दी सही करक्शन होगा इट इज गुड टू गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर वह अपने भाई की सहायता कर रहा है चेंज इन टू पैसि ऑब्जेक्ट है हमारा इसमें हिज ब्रदर टें प्रजेंट कंटिन्यूस मार्क यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट इज का प्रयोग होगा के द्वारा सहायता की जा रही है सही करेक्शन होगा हिज ब्रादर इज बींग नेक्स्ट थर्ड है द टीचर सेट टू दूडेंट वाई आर यू नॉट डूंगम वर्क इंटरोगेटिव सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेट या सेट टू को आज करेंगे और टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस द टीचर आटूडेंट एज ए कंजक्शन क्वेश्चन बर्ड यूज होगा वाई यू को चेंज करेंगे स्टूडेंट्स के अनुसार प्लुरल सब्जेक्ट है दे यहाँ पर है आर नॉट डूइंग तो हो जाएगा बर नॉट डूइंग बर नॉट डूइंग देयर होम वर्क सही करेक्शन होगा द टीचर आक्सड द स्टूडेंट वाई दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट माई ब्रदर इन कानपुर फॉर द लास्ट टेन ईयर्स यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिव लिव को आपको इसमें फिलअप करना है अब देखेंगे यहाँ पर जो टेंस है हमारा लास्ट टेन ईयर्स और उससे पहले टाइमिंग के लिए जो पीरियड ऑफ टाइम है उससे पहले फोन लगा हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे लास्ट टेन ईयर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपका ये होगा माय ब्रदर हैड बीन लिविंग इन कानपुर फॉर टेन इयर्स नेक्स्ट चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल द ब्लैंक आपको ब्लैंक में करेक्ट प्रीपोजिशन फिल अप करनी है द बॉयज यहां पर ये यह, है द बॉयज हैव बीन प्लेइंग खेल रहे हैं फुटबॉल अब इसमें टू आवर्स यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो सिंस या फॉर में आप फॉर का प्रयोग यहां पर करेंगे तो सही करेक्शन होगा जो फिलअप भरना है आपको फॉर से भरेंगे द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर टू आवर्स दो घंटे से यदि यहाँ पर निश्चित समय होता जैसे दो बजे पाँच बजे तब हम सेंस का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस निम्नलिखित वाक्य को पूरा करो यू कांट प्रॉस्पर अनलेस तुम संपन्न नहीं हो सकते प्रॉस्पर का मतलब है संपन्न होना समृद्ध होना तुम समृद्ध नहीं हो सकते अनलेस ये जो अनलेस शब्द है ये आपका नेगेटिव वर्ड है unless, है ये अनलेस until जब तक की न दोनों का अर्थ होता है दोनों वर्ड और आपका फॉर्मेटिव है तो इसके आगे जो सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है यू इसी से स्टार्ट करेंगे और फॉर्मेटिव बनेगा क्योंकि अनलेस निगेटिव वर्ड है यू कांट या यू कैन नॉट प्रॉस्पर अनलेस यू वर्क हार्ड यू वर्क हार्ड सही करेक्शन होगा न नॉट प्रॉस्पर अनलेस यू बर्क हार्ड नेक्स्ट कंप्लीट द स्पेलिंग दोनों स्पेलिंग देखेंगे पहली है आपकी क्वेश्चन क्यू यू ई एस टी आई ओ एन क्यू यू ई एस टी आई ओ एन क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है पहला वेकेशन वी ए सी ए टी आई ओ एन वेकेशन नेक्स्ट पंक्चुएट द फॉलोविंग निम्नलिखित को पंक्चुएट करना है यू हैव टू यूज कॉमा इन्वर्टेड कोमा फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क माई ब्रदर सेट टू मी माई ब्रदर सेट टू मी आपकी रिपोर्टिंग बर्ब है एम कैपिटल माई ब्रदर सेट टू मी कॉमा सिंगल कॉमा यहाँ पर एम कैपिटल यूज करेंगे माई ब्रदर सेट टू मी यहाँ पर सिंगल कॉमा यूज होगा उसके बाद यू यहाँ से आपका इन्वर्टेड कॉमा यूज होगा यू कैपिटल आपका बनेगा यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इसमें दो बार लिखा गया है यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे और इन्वर्टेड कॉमा आपका क्लोज यानी कि एडवाइस है एक तरह की तो माई ब्रदर सेट टू मी यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए ऑन संडे रविवारों को इन्वर्टेड कोमा क्लॉज असर्टिव सेंटेंस था तो कोमा यूज हुआ कैपिटलाइजेशन हुआ इनवर्टेड कोमा यूज हुआ नेक्स्ट आगे देखेंगे आपको छोटे से छोटी सी स्टोरी ट्रांसलेट करनी है चार पांच सेंटेंस है मेरे पास एक कुत्ता है यूज ऑफ हैज हैव हैड आई हैव ए डॉग सिंगुलर में हैज हैव हैल सिंगुलर में हैज में हैव और पास्ट में हैड का प्रयोग करते उसका नाम डायमंड है हिज नेम इज डायमंड वह बहुत वफादार है वफादार के लिए लगाएंगे फेथफुल ही इज वेरी फेथफुल वह बहुत तेज दौड़ता है यहाँ पर है दौड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रंस वेरी फास्ट फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है जब वह मुझे देखता है आगरी सेंटेंस है वह पूछ हिलाने लगता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जब वह मुझे देखता है तो जब के लिए यूज करेंगे वहन बहन ही सीज मी जब वह मुझे देखता है तो पूछ हिलाने लगता है तो यह तब के लिए कोमा यूज होता है ही इस्टार्ट ही डायमंड्स के लिए आया है ही स्टार्ट वह शुरू करता है सेकिंग हिलाना हिज टेल अपनी पूछ पूछ के लिए कहेंगे टेल वह अपनी पूछ हिलानी शुरू करता है तो गाइज आई हैव सॉल्व क्वेश्चन पेपर टू थाउजेंड सेवेंटीन आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो स्टूडेंट्स यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके बोर्ड एग्जामेशन की लगातार बना रहा हूँ इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन थैंक्स स्टूडेंट हैव ए नाइस डे